ये कावड़ साहब पुष्कर से आई है, पंचमुखी महादेव दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी के यहाँ पंचमुखी महादेव की जा रही है सर। कम से कम 500 के आसपास लगभग लोग हैं, इसमें कलश यात्रा भी है साथ में। गुलाबबाड़ी दानमल माथुर कॉलोनी स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर 500 कावड़िए लेकर पहुंचे कावड़। पारगंज स्थित सीताराम बाबा की बगीचे में सहस्त्रधारा व महाकाल बाबा का भव्य श्रृंगार। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक पूजन श्रृंगार कर उन्हें रिझाने के अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे में श्रावण मास शुक्ल पक्ष की दशमी पर शहर के कई इलाकों में कावड़ लेकर पहुंचे शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर से पंचमुखी महादेव मंदिर दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी के लिए 500 महिला पुरुष कावड़िए पवित्र जल लेकर जब कॉलोनी में पहुंचे तो बैंड बाजों की धुन के साथ क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय मार्गों से होती हुई कलश कावड़ शोभा यात्रा पंचमुखी महादेव मंदिर पहुंची, जहां सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। ये कावड़ साहब पुष्कर से आई है, पंचमुखी महादेव दानमल माथुर कॉलोनी गुलाबबाड़ी के यहाँ पंचमुखी महादेव की जा रही है सर। कम से कम 500 के आसपास लगभग लोग हैं, इसमें कलश यात्रा भी है साथ में सर, और शाम को शेष धारा का आयोजन भी रखा गया है, महाआरती का शाम को और दिन को शेष धारा का आयोजन रखा गया है। इसी तरह भोले बाबा को रिझाने के लिए हर साल की भांति इस साल भी जय श्री महाकाल सेवा संस्थान के द्वारा पारगंज स्थित सीताराम बाबा की बगीचे में सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया, जहाँ पंडित पुरोहितों के आचार्यत्व में रुद्र पाठ का आयोजन हुआ तो वहीं देव पूजन, रुद्राभिषेक और सहस्त्रधारा के पश्चात भगवान भोलेनाथ महाकाल बाबा का आकर्षक व भव्य श्रृंगार किया गया। शाम को महाआरती के पश्चात प्रसादी का आयोजन भी हुआ। सीताराम बाबा की बगीची पहाड़गंज अजमेर में सहस्त्रधारा के आयोजन किया गया है महाकाल सेवा संस्था द्वारा, और 5 पंडित और 1 आचार्य द्वारा यह आयोजन किया गया है। और सुबह पूजन था, दोपहर में अभी दोपहर से सहस्त्रधारा चल रही है, शाम को महाआरती है और उसके बाद आम भंडारा है। आम भंडारे के बाद अभी बाबा 11 फीट के बाबा बर्फानी जी यहाँ मतलब श्रृंगार होगा, 11 फीट के बाबा बर्फानी बनाए जाएंगे और महाकाल आरती होगी, महाकाल की जैसी आरती की जाएगी आज। हमारे यहाँ ये अजमेर स्थित अपने पहाड़गंज स्थित सीताराम बाबा की बगीचे के अंदर आज हमने सहस्त्रधारा का आयोजन किया था, जो सुबह हमारी पूजा हुई, उसके बाद हमने अच्छी वर्षा के लिए हमने मनोकामनाएं लगाई हमारे बाबा बर्फानी जी, बाबा महाकाल। तो अभी उनकी सहस्त्रधारा जस्ट समाप्त हुई है और अभी हमने बाबा बर्फानी का दृश्य आप देख रहे हो, ये हमने बनवाया 11 फुट ऊंचा और अपना श्रृंगार दर्शन किए थे भोले बाबा जी के साथ में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे महाकाल बाबा की भी है, तो ये हमने अच्छी वर्षा के लिए मनोकामना करी थी।